हेलो स्टूडेंट्स, त्रिहम प्रतिभा संस्थान के द्वारा चलाए गए इस यूट्यूब चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। जैसे कि आप लोग विदित हैं कि ये चैनल हम लोगों ने उन छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है जो किसी भी अभाव के कारण अपनी स्टडी किसी बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि उन सभी तक ये वीडियोज हम लोगों के पहुँचें, जिससे अगर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस आदि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई समस्या आती है तो निःशुल्क उनका निदान हो सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये उन सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सरल रेखा में गति, ये चैप्टर हम लोगों ने इसके दो वीडियोज डाले हुए हैं। हम लोग औसत त्वरण, औसत चाल और गति के समीकरण जो है प्रूफ कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं इसका तीसरा भाग, भाग तीन पे हम लोग आते हैं और गति के समीकरणों का जो निरूपण है वो हम लोग देखेंगे अवकलन विधि के द्वारा। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हालांकि ये गणित का टॉपिक है अवकलन और समाकलन, फिर भी मैं यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रूफिंग में काम आएंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी अगर हम व्यंजक लिखते हैं, सपोज y बराबर 7x स्क्वायर प्लस 5x, ये हमने लिखा। तो देखिए ये किसके टर्म में है, x के टर्म में। किसके टर्म में है, x के टर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं fx, यानी कि फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहां पे सब जगह क्या है, x है। तो कहने का मतलब है अगर हम fy लिखते हैं तो इन सब जगह क्या आ जाता, y आ जाता। अगर हम एफ जेड लिखते हैं तो इन सब की जगह क्या आ जाता, जेड आ जाता। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन जिस चर के पद में है वो चर यहां पर मौजूद होने चाहिए। अब हम उदाहरण समझते हैं अवकलन की। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अवकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती। अवकलन की आवश्यकता ये पड़ी, यदि हम किसी भी सूक्ष्म चीज का मान निकालना चाहते हैं, किसी भी चीज का मान बहुत थोड़ा निकालना चाहते हैं और उस तक जाना चाहते हैं तो हमें अवकलन की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले लेते हैं त्वरण, या चलिए वेग को ले लेते हैं। हमने वेग को लिया और सपोज हम लोग जानते हैं कि वेग v बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब सपोज ये विस्थापन, जो ये विस्थापन है हमारा, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो विस्थापन को हम लोग जनरली डेल्टा x से डिनोट करते हैं और समय को डेल्टा t से डिनोट करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां डेल्टा x हमारा क्या है, विस्थापनों में अंतर, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभ कह सकते हैं, अपॉन डेल्टा t अर्थात t2 माइनस t1। अब अगर ये समय अंतराल बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा का मतलब कि अगर जैसे हमने कहा कि 5 सेकंड में इतना चला और 5.1 सेकंड में इतना चला, तो बहुत थोड़ा अंतराल हो गया, बहुत थोड़ा अंतराल हुआ। तो इस थोड़े अंतराल के लिए कहने का मतलब क्या है, यहां पे डिफरेंस देखिए 0.1 का आया, या हम और थोड़ा डिफरेंस ले लें 0.01 ले लें, या थोड़ा और डिफरेंस ले लें 0.001 ले लें, तो ये उत्तरोत्तर मात्राएं क्या हो रही, घटती जा रही, मात्राएं घटती जा रही। अर्थात ये जो डिफरेंस है ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। 0.1, 0.01, 0.001 ये क्या है, कम की ओर चलता चला आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से कम अर्थात ये किस तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी है वो किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो हमने उसकी एक सीमा बांध दी, हमने क्या करा, उसकी एक सीमा बांध दी। तो इसको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं लिमिट, लिमिट यानी कि एक सीमा बांध दी किसकी, डेल्टा टी की, कहां तक, शून्य तक। और यहां पर है हमारा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। इस पूरी परिभाषा को, इस पूरे हिस्से को हम अवकलन के नाम से जानते हैं और इसको लिखते हैं dx अपॉन dt। ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो डिवाइड में टर्म है, dt है, dx है, dy है, व्हाटएवर जो भी है, उसके लिए जो अभी मैंने फंक्शन बनाया वह उसी टर्म में होना चाहिए। जैसे डिवाइड में अगर टी है तो यहाँ पर 70 स्क्वायर प्लस 5t, या इस तरीके का कुछ भी ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए जिसमें जो चर है वो कौन है, टी।
आई थिंक इट शुड बी क्लियर। चल तो ये अवधारणा थी हमारी किसकी, अवकलन की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि अवकलन के जनरल नियम देख लेते हैं हम लोग, जिनकी प्रूफिंग में जरूरत पड़ेगी। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो गणित का विषय है और अगर अवकलन को देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत वृहद स्तर का विषय है, स्तर का टॉपिक है। तो जैसे सपोज हमको दे दिया गया x बराबर 5t² + 9, x बराबर 5t² + 9। आप देखिए इसका अवकलन होगा किसके सापेक्ष, t के तो सापेक्ष होगा, अर्थात dx/dt। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे निकलता। सपोज d/dx x की पावर n का मान हमको निकालना है। किसका निकालना है, d/dx x की पावर n। तो इसका जो आंसर आएगा, जो घात होती है वो सबसे पहले लिख ली गई, उसके बाद जो चर है उसको लिखा गया और उसकी घात में एक कम कर दिया गया, राइट। अच्छा, अगर इसके साथ कोई अचर पद लिखा है, जैसे मान लीजिए a लिखा है और a x की पावर n है, तो ये a क्या होगा, पहले चला आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे a d/dx x की पावर n। तो इसका मान कितना आ जाएगा, a(n)(x)n-, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। और अगर यहां पर कोई सिर्फ और सिर्फ चर लिखा है उसके साथ, सिर्फ सिर्फ अचर लिखा है उसके साथ, कोई भी चर यानी x y z a b c कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मान शून्य आएगा। इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो अब देखते हैं इसका जो ये फंक्शन किसमें होगा, जाहिर सी बात है टी है तो ये एफ टी तो होगा, राइट। तो हमने क्या किया, dx/dt, देखिए क्या आ रहा आंसर, 5 और ये 2 पहले आ गया और टी में 2 में 1 घट गया। उसी तरीके से हम इसका करेंगे। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से लिख देता हूं इसको। हमने क्या किया, dx/dt बराबर 5 d/dt किसका, t² + 9 d/dt किसका, t। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 5 2 पहले चला आया इंटू 2 t^(2 − 1) + 9। अब t की पावर में कितना है, 1 इंटू t^(1 − 1), यानी ये कितना आ गया, 5 टू 10 t प्लस 9 इंटू 1 9 एंड t^(0)। और आप सभी लोग जानते हैं कि समथिंग पावर 0 हैज द वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो dx/dt का मान कितना आ गया, 10t + 9, कितना आ गया, 10t + 9, ठीक। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके माध्यम से कैसे प्रश्न, जो आंकिक प्रश्न आते हैं, तो आंकिक प्रश्न में सीधा सा आपको दिया होगा कि यदि आप, मैं एक प्रश्न उठा लेता हूं जो एनसीईआरटी से ही है, इसमें दिया हुआ है, एक्स अक्ष के अनुदेश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है जिसको मैंने उठाया हुआ है। द क्वेश्चन इज गिवन दैट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू a+bt² a+bt² तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन है, एक्स है, तो एक्स क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये पूछा और a की वैल्यू दे दी, a इज 8.5 एंड b इज 2.5, तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि t = 0 तथा t = 2 सेकंड पर वस्तु का वेग क्या होगा। t = 0 तथा t = 2 सेकंड पर वस्तु का वेग कितना हो, तो चलिए देखते हैं। यहां से हमको दिया है x = a+bt². तो अच्छा एक चीज और, कि जो dx/dt होता है, यानी कि ये जो वेग हम निकालते हैं dx/dt, इसे हम लोग ताक्षणिक वेग कहते हैं। कौन सा वेग, ताक्षणिक वेग, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या होती, किसी एक इंस्टेंट पे होती, किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर होती। जैसे इसने कह दिया t = 0 तथा t = 2 सेकंड पर कण का वेग कितना होगा, t = 0 पर कितना वेग होगा, t
बराबर 2 सेकंड पर कितना वेव हो। तो देखते हैं, हमने इसका टी के रिस्पेक्ट में किया, डीएक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो यानी हम डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, ए का, प्लस डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, बी टी स्क्वायर का। तो देखिए यहां पर क्या टी है, नहीं है, तो इसका डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, शून्य। और इसका क्या हो जाएगा, बी पहले आ गया फिर टी स्क्वायर, तो उसका टू टी की पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 बी टी। ये क्या आ गया हमारा, dx अपॉन डी टी। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि dx अपॉन डी टी को हम लोग क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे v से। तो v बराबर कितना हो गया, 2 बी टी। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, t बराबर 0 पे बताइए। तो v एट t इज इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी इंटू 0, दैट इज 0। और अगर हम निकाले v एट द रेट t is equal to 2, तो that is 2 into b, और t की जगह कितना रख दिया, 2, तो 4b आ गया। और b का मान देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है, 2.5, तो 4 into 2.5, that is 1.0, sorry 10.0 meter per second, 10.0 meter per second is the answer। तो ये था हमारा ताक्षणिक वेग निकालने का तरीका, और किसके माध्यम से, अवकलन के माध्यम से। आप मान के चलिए कि आपकी गृह परीक्षाओं में इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलना है, बस समीकरण चेंज हो सकती हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, और टी बराबर 0 टी बराबर 2 सेकंड, तो इनकी जगह टी की वैल्यूज चेंज करके आपको मान निकालने को कहा जा सकता है। तो ये अवधारणा हमारी थी अवकलन की। अब हम लोग अवधारणा देखते हैं समाकलन। तो देखिए अवकलन में क्या होता है, वैल्यू घटती जा रही, पावर देखिए घट गई तो वैल्यू क्या हो गई, घटती जाती। जबकि समाकलन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। और उल्टा कैसे होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, ये हमने कहा एन एक्स एन माइनस वन, ये है हमारा अवकलन। क्या है अवकलन, अगर हम समाकलन करेंगे, देखिए डीएक्स यहां किस में है, डिवाइड में है। अब ये डीएक्स कहां आ जाएगा, गुणे में, कहां आ जाएगा, गुणे में। तो देखिए यहां पर हम किसी संख्या को भाग दे रहे थे, यहां पर हमने क्या कर दिया, गुणा, अर्थात मान बढ़ना शुरू हो गया। समाकलन का निशान होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा था, पावर घट रही थी, यहां पर पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी अपॉन एन प्लस वन, प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं, जहां जो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल लगाते समय बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का टर्म है, तो ये मैथ्स में अपना अलग विषयों में प्रयोग होता है, अलग टॉपिक्स में प्रयोग होता है। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि एक्स पावर एन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, कि एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और सी को यहां पर हम औचित्यहीन मानेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 7x² dx आपको दे दिया गया, तो वही काम वहां पे हमने क्या किया था, जो हमारा कांस्टेंट था उसको उठा के क्या किया था, पहले रख लिया था। यहां पर भी हम कांस्टेंट को उठा के पहले रखेंगे x² dx। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, x की पावर कितनी है, 2, यानी x की पावर n, तो x की पावर 2 प्लस 1, और पावर कितनी थी, 2, तो यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2, तो 2 प्लस 1, तो आंसर इज 7/3 x^3, इट इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा था समाकलन। अब इस समाकलन को भी हम लिमिट में बांध देते हैं, कि क्या होता है इसमें, एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। देख मान लीजिए x² dx की हमको वैल्यू निकालनी, और यहां भी मान रख दिया एक्स बराबर 0 से लेकर 1 तक। तो ये देखिए 0 से लेकर 1 तक एक हमने इसको इंटरवल में बांध दिया, तो ये हो गया 0 से लेकर 1, इसका आंसर कितना होगा, पावर एन प्लस वन, यानी एक्स की पावर 3/3, और ये किस इंटरवल में बना है, 0 से लेकर 1। तो ये जो नीचे चीज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं निचली सीमा या लोअर लिमिट, निचली सीमा या लोअर लिमिट, और इसको क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा या
अपर लिमिट, ऊपरी सीमा या अपर लिमिट। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया 1/3, ब्रैकेट के अंदर रह गया एक्स क्यूब और लिमिट हो गई 0 to 1, तो 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक्स की जगह, इस पर्टिकुलर एक्स की जगह हम पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो देखिए क्यूब आ गया, फिर लोअर लिमिट रखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 1/3 दैट इज 1 - 0 एंड द आंसर इज 1/3। ठीक, तो ये प्रयोग है हमारा लिमिट्स, ये प्रयोग किसका है, लिमिट का है। इसके आप क्वेश्चन उदाहरण देख के लगाइए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करें, क्वेश्चंस दें अपने और उसके आंसर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि इस समाकलन विधि के द्वारा हम लोग किस प्रकार से जो गति के समीकरण हैं उनको निरूपित करेंगे, जो आज का हमारा मेन ध्येय है और इस टॉपिक का अंतिम, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अंतिम अध्याय है, देखते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो त्वरण होता है, त्वरण ∆v/∆t होता है, ∆v/∆t यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। अगर यही त्वरण ताक्षणिक है यानी कि बहुत ही सूक्ष्म इंटरवल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a/dv/dt, लिख सकते हैं। ये उस वस्तु के लिए बात हो रही है जिसने u वेग से चलना प्रारंभ किया, t समय के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, उसका जो त्वरण है वो a था और उसका जितना भी विस्थापन है वो कितना था, s था। तो a/dv/dt, तो देखिए क्या हम इसको इधर ले सकते हैं, तो ये क्या आ गया, a dt = t। अब अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, समाकलन, तो ये देखिए a dt हो गया और ये क्या हो गया, dv। अब a में t तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये पहले आ गया, तो ये बन गया dt, क्या बन गया, dt, और यहां पर क्या हुआ, dv। अब हमारा काम है लिमिट्स, यानी इसको सीमाओं में बांधना। तो जरा ध्यान से देखें, जब शुरुआत में प्रारंभिक वेग था तब हमने देखना चालू किया तो समय हुआ 0 और अंत में समय कितना पहुंच गया, t। तो क्या हम इसको ये लिख दें, 0 से लेकर t, ये देखिए इसकी लिमिट बन गई। अब प्रारंभ में वेग कितना था, u, अंत में वेग कितना हो गया, v, तो इसकी लिमिट u से v आ गई dv। तो इस तरीके से हमने इसको सीमाओं में बांध दिया, समय की सीमा 0 से लेकर t और वेग की सीमा u से लेकर v। इसको यहां से देखते हैं, तो देखिए a, अब जब यहां पर कोई संख्या नहीं होती है, एक चीज आप डायरेक्ट अगर सीखना चाहें तो ये देखिए dt लिखा है, जब हम d/dt किसी भी संख्या यानी 1 का करते थे तो क्या आता था, 0 आता था, और यहां पर अगर कोई संख्या नहीं लिखी है इसका मतलब क्या है कि 1 लिखा है, तो इसका आंसर जो आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, देखिए dt के रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, t। सपोज यहां dx लिखा होता आंसर कितना आ जाता, x। सपोज dy लिखा होता तो आंसर कितना आ जाता, y। जो ये मान है सीधा उसका आंसर आ जाएगा, ये एक डायरेक्ट मेथड आप समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिए सिर्फ dt लिखा है तो आंसर क्या आ गया, t, लिमिट हमारी 0 से t। उसी प्रकार यहां पे क्या है, सिर्फ v लिखा है, कुछ और लिखा है नहीं लिखा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, v, और लिमिट कहां से, u से लेकर v। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, उसके बाद अपर लिमिट फिर लोअर, ऐसे तो रखते हैं हम लोग, जो अंदर होता है उसकी जगह मान रख देते हैं लिमिट्स का। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, at, यहां पे क्या आ गया, v - u। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, v = u + at, तो ये क्या है, गति का पहला समीकरण, v = u + at। ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड जो कि समाकलन विधि से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरे के लिए स्थितियां हमारी सेम यहीं पर हैं।
शुरुआत में जब उसने चलना प्रारंभ किया तो मान लेते हैं हम कि x बराबर 0 से चलना प्रारंभ किया और अंत में कहां पहुंच गया, x पर पहुंच गया। तो अगर इसमें हम वेलोसिटी की बात करें, उसका वेग परिवर्तन देखें, तो वेग को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कि अगर हम सिर्फ कुछ क्षणों के लिए देख रहे हैं, इंस्टेंट के लिए देख रहे हैं, तो v बराबर हम dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, v dt बराबर dx, v dt बराबर dx। अच्छा, अभी हमने प्रूव किया है पहले समीकरण से, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण v इज इक्वल टू कितना, u प्लस at, u प्लस at, तो ये u प्लस at dt हो गया इज इक्वल टू dx, या हम इसको लिख सकते हैं u dt प्लस at dt इज इक्वल टू dx। ठीक, अब हम दोनों तरफ समाकलन करें, दोनों ओर हमने क्या किया, समाकलन किया, दोनों ओर समाकलन करने पर तो देखिए क्या प्राप्त होगा। हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं, यानी dx को इधर ले आते हैं, उसको उधर ले आते हैं, ये हो गया dx, ये हो गया u dt प्लस ये हो गया at dt। अब ध्यान दीजिए, पहले पोजीशन क्या थी उसकी, जीरो, फिर कितनी हो गई x, तो लिमिट कितनी जाएगी, जीरो से x जाएगी। प्रारंभिक वेग कितना था u, अंतिम वेग कितना हो गया v हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, u और v, नहीं, ध्यान हमको यह देना है कि जो हम लिमिट लेते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहां पे लिमिट क्या आएगी, जीरो से लेकर टी। उसी तरह यहां पे लिमिट क्या आएगी, जीरो से लेकर तो अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, जब कुछ नहीं लिखा तो इसका क्या आएगा, एक्स आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यू बाहर आ जाएगा, सिर्फ डी टी बचेगा, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस ए बाहर आ जाएगा। अब यहां पर क्या बचा हमारे पास, टी डी टी, देखिए टी की पावर 1, तो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 ही तो आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेकर टी। ठीक है, इसको साइड में देख लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए, अगर हम यहां पे मान रखेंगे तो अपर लिमिट और वो 0 है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसको x, यहां पे क्या आ जाएगा, यू टी प्लस 1/2 को a के साथ ले लेते हैं, तो ये 1/2 a और ये कितना हुआ, टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी कौन सी समीकरण बन गई, गति की द्वितीय समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण हमको प्राप्त हो गई। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं गति की तीसरी समीकरण कि उसके साथ क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जिस तरीके से हमने पहली समीकरण हल करी, दूसरी समीकरण हल करी, उसी तरीके से हम लोग तीसरी समीकरण को देखते हैं और शुरुआत जो उठाते हैं वो लेते हैं हम लोग a बराबर dv अपॉन dt से, a बराबर dv अपॉन dt से। तो देखिए क्या हम इसमें ये कर सकते हैं कि dv अपॉन dt तो ऐसे ही लिखा रहने दें और dx से ऊपर नीचे गुणा कर दें, dx से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अब जरा गौर कीजिए, अगर हमने dx से ऊपर नीचे गुणा किया है तो क्यों किया है, तो क्यों किया है, देखिए डीवी अपॉन डीएक्स पहले लिखिए इंटू डीएक्स अपॉन डीटी इंटू डीएक्स अपॉन डीटी। तो अब बताइए कि डीएक्स अपॉन डीटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी, यहां पे देखते हैं डीएक्स अपॉन डीटी यानी कि चेंज इन द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, और ये क्या होता है, वेलोसिटी, यानी इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी जगह वी और ये हो गया डीवी अपॉन डीएक्स, इस डीएक्स का गुणा हमने इधर कर दिया तो ये हो गया ए डीएक्स इज इक्वल टू वी डीवी। अब वही काम दोनों तरफ समाकलन, दोनों ओर समाकलन कर लेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरफ देख लेते हैं हम लोग, दोनों समाकलन किया तो a dx इज इक्वल टू v dv,
लिमिट एक्स में क्या हो गई, पहली स्थिति शून्य पर और फिर एक्स पर, और प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, कुछ नहीं लिखा है तो एक्स लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये v है, v की पावर 1 और dv के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u से। ये देखिए ax हो गया, यहां पे हम 1 बाई 2 को ऐसे ले लें, और यहां पर क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर। देखिए हमारे पास क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, जहां x क्या है विस्थापन है। ये है हमारा गति का तीसरा समीकरण। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जैसे पहले के वीडियो में था उसमें साधारण ग्राफ के तरीके से गति के तीनों नियमों का अवलोकन किया था और उनको प्रूफ किया था, यहां पर समाकलन विधि से किया। समाकलन विधि का प्रयोग करने में ये होता है, जो फायदा मिलता है कि एक तो ये जल्दी हो जाता है, उसके अलावा अगर हम अति सूक्ष्म कणों का भी त्वरण निकालना चाहें तो इसकी सहायता से बहुत आसानी के साथ निकल आता है, जो कि ग्राफीय विधि में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।